ओम गण गणपते नमः। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और इस ज्येष्ठ के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी से जुड़ी हुई जानकारी साझा करेंगे, जानेंगे गंगा दशहरा कब है और गंगा दशहरा का क्या महत्व है, गंगा दशहरा के दिन का पंचांग क्या रहेगा और गंगा दशहरा पर हमें क्या दान करना चाहिए, गंगा दशहरा में 10 के अंक का क्या महत्व है, गंगा दशहरा की पूजा विधि क्या रहेगी। इस साल गंगा दशहरा 16 जून को मनाया जाएगा। इस दिन रविवार का दिन रहेगा। पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा के दिन इस बार 4 शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा अवसर 100 साल के बाद आया है। इसी दिन धरती पर माता गंगा का अवतरण स्वर्ग से हुआ था। गंगा दशहरा के दिन हस्त नक्षत्र है। इसके अलावा इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और साथ ही अमृत योग और रवि योग, इनका भी अद्भुत संगम बन रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा स्नान से हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान से 10 तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। जानते हैं गंगा दशहरा की पूजा विधि क्या है। गंगा दशहरा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान और ध्यान करें। अगर आप किसी नदी में स्नान नहीं कर सकते, ऐसा संभव नहीं है, तब आप घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और साफ कपड़े पहनकर माता गंगा और भगवान शिव की विधि विधान से उपासना करें। इसके बाद पूजा के दौरान गंगा स्त्रोत का पाठ करें और अंत में माता गंगा की आरती करके पूजा संपन्न करें। गंगा दशहरा का महत्व क्या है। गंगा दशहरा के दिन माता गंगा की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन भक्त गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर माता गंगा हस्त नक्षत्र, व्यतिपात योग, आनंद योग, गर करण में ही भगवान शिव की जटाओं से पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। इसीलिए हस्त नक्षत्र में पूजा पाठ और मांगलिक कार्य सफल माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से छुटकारा मिलता है। गंगा दशहरा के दिन मोक्षदायिनी माता गंगा की पूजा करने से, पितरों का तर्पण करने से पुत्र और मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। ऐसा माना गया है कि इस शुभ दिन पर जल, अन्न, श्रृंगार का सामान, शक्कर, वस्त्र, फल, स्वर्ण का दान करना बेहद शुभ होता है। अब जानते हैं गंगा दशहरा के शुभ मुहूर्त। इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह को 7:08 से लेकर सुबह के 10:37 तक। दसवीं तिथि का जो प्रारंभ है वो 16 जून 2024 को रात्रि को 2:32 पर आरंभ हो जाएगी और दसवीं तिथि का समापन होगा 17 जून 2024 को सुबह को 4:43 पर। इस दिन हस्त नक्षत्र का जो आरंभ है वो होगा 15 जून 2024 को 8:14 सुबह से और हस्त नक्षत्र का जो समापन होगा वो 16 जून 2024 को सुबह के 11:13 तक रहेगा। और 16 जून को ही गंगा दशहरा का पर्व है। गंगा दशहरा वाले दिन 11:13 तक दोपहर के हस्त नक्षत्र रहेगा। व्यतिपात योग जो बन रहा है वो योग प्रारंभ हो जाएगा 14 जून को। माँ गंगा की पूजा के लिए जो मंत्र है, ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। क्या आप जानते हैं कि गंगा दशहरा पर 10 अंक का क्या महत्व है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है, क्योंकि गंगा स्नान से सभी पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं शिव जी की जटाओं के द्वारा पृथ्वी पर गंगा जी का अवतरण इस दिन हुआ था, इसीलिए गंगा दशहरा पर माँ गंगे के साथ भगवान शिव की पूजा की जाती है।
10 अंक का बहुत ज्यादा महत्व है। कहा जाता है कि गंगा दशहरा पर गंगा स्नान से 10 तरह के पापों का नाश होता है। साथ ही इस दिन 10 प्रकार के दान देने का भी महत्व है। वहीं पूजा के लिए भी इस दिन 10 तरह की सामग्री इकट्ठा की जाती है, जैसे 10 फूल, 10 दिए, 10 फल और 10 मिष्ठान आदि। इसीलिए गंगा दशहरा पर 10 की संख्या का बहुत महत्व है। गंगा स्नान से जो 10 तरह के पाप दूर होते हैं वो इस प्रकार हैं। कहा जाता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान का विशेष लाभ मिलता है। इस दिन स्नान करते समय गंगा में 10 बार डुबकी लगानी चाहिए। स्नान करने के लिए सूर्योदय से पहले या फिर सूर्योदय तक के समय को सबसे शुभ माना जाता है। इस समय स्नान करने से सूर्य की ऊर्जा से आत्मविश्वास, यश और आयोग्यता प्राप्त होती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि गंगा स्नान से जो 10 तरह के पाप समाप्त होते हैं वो इस प्रकार हैं: निषिद्ध हिंसा, पर स्त्री गमन, बिना दी हुई वस्तु को लेने का पाप, कठोर वाणी का पाप, दूसरे का धन हड़पने या फिर चोरी का पाप, दूसरों का बुरा करना, व्यर्थ की बातों में दुराग्रह करना, झूठ बोलने का पाप, चुगली करने का पाप और दूसरों का अहित करने का पाप कर्म, ये सभी नष्ट हो जाते हैं। गंगा दशहरा पर स्नान और पूजन करने के बाद दान देने का महत्व है। इसके पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि गंगा दशहरा पर 10 प्रकार की वस्तुओं का दान करना शुभ होता है। ऐसा करने से ग्रह जनित दोष दूर होते हैं और दुखों का नाश होता है और जीवन में खुशहाली आती है। इस दिन आप जल, अन्न, घी, पूजा या सुहाग की सामग्री, तेल, शक्कर, नमक, फल, वस्त्र या स्वर्ण आदि का दान भी अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। अब जान लेते हैं 16 जून अर्थात गंगा दशहरा के दिन का पंचांग। शुक्ल पक्ष की जो दशमी तिथि रहेगी वो 16 जून को रात्रि को 2:32 पर आरंभ हो जाएगी और 17 जून को सुबह 4:43 तक रहेगी। इस दिन हस्त नक्षत्र जो रहेगा वो रहेगा 15 जून को आरंभ होकर 16 जून को दोपहर को 11:12 तक रहेगा और चित्रा नक्षत्र 11:12 पर आरंभ हो जाएगा और वो रहेगा 17 जून को दोपहर को 1:50 तक। वहीं पर इस दिन जो योग रहेंगे वो रहेंगे वर्यान योग और परिधि योग। वर्यान योग का आरंभ 15 जून को रात्रि को 8:10 पर होगा और 16 जून को रात्रि को 9:02 पर समाप्त हो जाएगा। वहीं पर जो परिघ योग है वो रहेगा 16 जून को 9:02 पर आरंभ होकर 17 जून को 9:34 पर समाप्त होगा रात्रि के। इस दिन का सूर्योदय रहेगा सुबह को 5:45 पर और वहीं गंगा दशहरा के दिन सूर्यास्त होगा 7:10 पर। इस दिन चंद्रोदय होगा 16 जून को दोपहर को 2:09 पर और चंद्रास्त होगा 17 जून को रात्रि को 1:56 पर। अब जान लेते हैं इस दिन के कुछ अशुभ समय। इस दिन का राहु काल रहेगा शाम को 5:29 से लेकर रात्रि के 7:10 तक। वहीं इस दिन का यमगंड काल रहेगा दोपहर के 12:27 से लेकर दोपहर के 2:08 तक। इस दिन सूर्य रहेंगे मिथुन राशि में और चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त जानते हैं। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर को 11:54 से लेकर दोपहर के 12:50 तक। तो ये तो थी गंगा दशहरा से जुड़ी हुई छोटी सी जानकारी। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कोई भी त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए। गंगा दशहरा की कथा मेरे चैनल पर पहले से ही है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो गंगा दशहरा की सभी भक्तजनों को शुभकामनाएं। माँ गंगा आप सभी के जीवन में खुशहाली लाएं। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।